हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट। हम लोग कर चुके हैं ना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट है। आज करेंगे एक्सरसाइज 3.4। केवल 6 ही क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ईजी भी हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे लास्ट तक वीडियो को। और इससे पहले वाली वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है, इससे पहले वाले सेशन आपने नहीं देखे हैं, तो एक बार जाकर उन्हें देख लेंगे। और अगर सेशन पसंद आते हैं तो सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, किसी को भी नहीं भूलना लाइक करना, ठीक है? और कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स और रेक्टेंगल आर स्क्वायर। बताओ क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि रेक्टेंगल्स हैव ऑल इक्वल साइड्स, यानी रेक्टेंगल की जो सॉरी स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो सारी इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की जो साइड होती है वो अपोजिट साइड इक्वल होती है ना? तो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। हम स्क्वायर को तो रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स का रीजन भी देना होगा, तो रीजन मैंने आपको बता दिया। क्या लिखोगे? बिकॉज All squares are rectangle, but all rectangles are not square. ठीक है, समझ में आ गया? अब क्यों? क्यों बता दिया ना मैंने आपको? क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो हम स्क्वायर को तो रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट वी कांट से अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रू। और ट्रू के लिए कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सारे रोम्बस हम क्या बोल सकते हैं? उनको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। सारे स्क्वायर्स रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। देखो रेक्टेंगल तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, तो सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। और जब रोम्बस स्क्वायर्स रोम्बस हो सकते हैं, तो स्क्वायर रेक्टेंगल भी तो होते हैं। इसका मतलब जो स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? जब स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं और रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, तो क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो ये क्या है? ये फॉल्स है, ठीक है। अब इसका रीजन देना होगा, बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम एज अपोजिट साइड्स आर parallel and opposite angles are equal, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ई क्या कह रहा है? ई ई है All kites are rhombus. सारी kites rhombus होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती। Kite की shape है ये, है ना? और rhombus सारी sides इस तरीके से square की तरह equal, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? False, ठीक है। Kite और rhombus में अगर आपको फर्क नहीं पता चल रहा, तो आप एक बार मुझे मेरी इसी चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है 3.1, वहां जाकर आप देखेंगे। वहां से आपको सारे जितने भी आपके
कंफ्यूजन्स होंगे ना वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया इसका। नेक्स्ट है ऑल रोम्बस आर काइट्स। ठीक है, नहीं अभी तो इसी को कर रहे थे, आप ई कर रहे थे, ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो ऑल काइट्स आर रोम्बस ये फॉल्स है, तो हमें स्टेटमेंट देना होगा कि क्यों, बिकॉज अ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ काइट आर नॉट सेम। ठीक है, समझ में आया कि जो काइट की चारों साइड की जो लेंथ होती है वो सेम नहीं होती, दो ऊपर वाली सेम होती है, दो नीचे वाली सेम होती है। यहाँ एक बार फिर से बना देती हूँ, इस तरीके से होती है काइट की शेप। तो ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, लेकिन चारों इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या है, ऑल रोम्बस आर काइट्स, बताइए जल्दी से फटाफट, ऑल रोम्बस आर काइट, बिल्कुल रोम्बस काइट हो सकते हैं लेकिन काइट रोम्बस नहीं हो सकती, तो क्या लिखेंगे इसको, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है जी ने, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं, ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं, पैरेललोग्राम बनता है ऐसे और ट्रेपेजियम बनता है ऐसे, तो पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, एच ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकते हैं, बिल्कुल सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर हो गया सबको, ट्रू एंड फॉल्स लिखना था, जहां पर फॉल्स है वहां आपको स्टेटमेंट देना है कि आपका जो फॉल्स है वो किस रीजन से फॉल्स है। ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है वो किस रीजन से फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जो होते हैं, क्या होते हैं, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ कौन कौन से हो सकते हैं बताओ जल्दी से भाई, एक तो रोम्बस और दूसरा स्क्वायर। ठीक है, तो फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ कौन कौन से हो जाएंगे, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, हैव ऑल फोर साइड्स इक्वल, ठीक है, समझ में आया। देखो स्क्वायर बनेगा ऐसे और रोम्बस बन जाएगा बस ऐसे। ठीक है, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ऐसे करके, मूव कर दिया तो ये रोम्बस बन गया। क्लियर बात, अब क्या पूछा, फोर राइट एंगल्स, यानी जो चारों एंगल होंगे वो राइट एंगल होने चाहिए, तो किस किस में होते हैं राइट एंगल, आपके स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों में आपके कैसे होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, यानी ये स्क्वायर बन गया और ये आपका रेक्टेंगल बन गया, तो यहां जो भी एंगल बनेंगे ये कैसे बनेंगे, ये आपके राइट एंगल यानी 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव फोर राइट एंगल्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव फोर राइट एंगल। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई सबको, जल्दी से समझ में आ गई सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब आपको ये बताना है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, पैरेललोग्राम क्यों है, रोम्बस क्यों है या रेक्टेंगल क्यों है। ठीक है, तो वन बाय वन करते जाएंगे। तो फर्स्ट वाले में देखो, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज फोर साइड्स। ठीक है, स्क्वायर as square is a quadrilateral because it has four sides।
भाई जो भी कोई भी ऐसी फिगर जो चार लाइनों से मिलकर बनी होगी वो क्या होगी, वो क्वाड्रिलेटरल होगी, ठीक है। तो इसीलिए स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, क्यों है बताओ जल्दी से, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर स्क्वायर्स इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम क्यों, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, ठीक समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट चलें फिर, अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल में इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, थर्ड है स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ इक्वल लेंथ एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। भाई स्क्वायर को ही तो टिल्ट किया है तभी तो रोम्बस बनाया है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो लिखेंगे स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज ऑल द four sides are of equal length and diagonals bisect at right angle, ठीक है भाई। सारी साइड्स बराबर होती है, एंगल कॉर्नर वाले एंगल 90 डिग्री के होते हैं और जो डायगोनल्स हैं वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ना कि स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों होता है, बिकॉज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, ये बस आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना। लर्न भी आप लोग अगर एक एक दो दो बारी से रीड कर लेंगे तो ये बाहर आपको लर्न हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर लर्न करने की नीड नहीं है। बस आप बातों को समझो और सेंटेंसेस को पढ़ो, 2-3 टाइम्स अगर आप एक सेंटेंस को रीड करोगे तो ये आपको अपने आप से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन समझ के, ऐसे ही नहीं कि बस रीड कर लिया, समझ के रीड करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हूज डायगोनल्स आर, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल बाइसेक्टर ईच अदर। अरे भाई जितने भी क्वाड्रिलेटरल बनेंगे सबके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सभी के तो करते हैं, साइड सब नाम ले सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो लिख देंगे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, एक्सेट्रा, ठीक है।
तो अब एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, जितने भी डायगोनल है सबके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब ऐसे ऐसे हमें क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। वो किस किस में करते हैं परपेंडिकुलर, रोम्बस और स्क्वायर में केवल, ठीक है। देखेंगे रोम्बस और स्क्वायर, देख लो कैसे, ये तो आपका बन गया रोम्बस है ना और स्क्वायर, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। वैसे हम काइट भी लिख सकते हैं इसमें, काइट है ना, काइट भी तो लिख सकते हैं, काइट भी तो बाइसेक्ट 90 डिग्री पर ही करेगा, तो हम इसमें काइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वाड्रिलेटरल्स हूज डायगोनल आर इक्वल, किस किस के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो उस पर भी रोम्बस और स्क्वायर आ जाएगा, है ना। किस किस के डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी होते हैं, स्क्वायर के भी होते हैं और रेक्टेंगल के भी होते हैं। रोम्बस स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ रहा है ना सभी को। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब ये बताना है आपको कि एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, पहले तो ये बताओ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जब स्टार्टिंग में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां हमने दो चीजें बोली थी, दो चीजें पढ़ी थी, एक तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक पढ़ा था हमने कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल साइड तो फोर होंगी उसमें, ठीक है, इस तरीके से साइड तो फोर होंगी, 1, 2, 3 और 4, लेकिन जो एंगल बनेगा वो कोई भी एक एंगल इंटीरियर हो सकता है ना, और कॉन्वेक्स में सारे एंगल बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इनसाइड द रेक्टेंगल, यानी जितने भी एंगल होते हैं इनके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के, सॉरी एंगल नहीं डायगोनल, वो एक दूसरे को अंदर की तरफ बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ होते हैं, इसीलिए जो रेक्टेंगल है उसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। अब इसे लिख लो, चलो, रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज its diagonals lie inside the rectangle, ठीक है भाई, समझ में आ गया। केवल ये लाइन आपको लिखनी है उसके लिए, और आप डायग्राम बना देंगे इस तरीके से रेक्टेंगल का, ये आपका रेक्टेंगल बन गया, यहां पर 90 डिग्री शो कर देंगे है ना, और यहाँ पर ये डायगोनल शो कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, बताओ भाई जल्दी से, सबको क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी यानी केवल इतना लिया है, ठीक है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट ऑफ द राइट एंगल, और ओ क्या है, राइट एंगल के दूसरी साइड की एक साइड है, मिड पॉइंट है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। आपको ये बताना है कि जो ओ पॉइंट है वो ए बी सी से बराबर दूरी पर क्यों है सभी तरफ से, ठीक है। द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, और जो डॉटेड लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे लिए हेल्प के लिए ड्रॉ कर दी गई है, ठीक है। चलो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये हमारे लिए एडिशनली ड्रॉ की गई है। चलो सबसे पहले देखो कौन कौन सी लाइन ड्रॉ की है, एडीएन,
डीसी, ठीक है, और एडी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, और एबी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, एडी एंड डीसी आर ड्रॉन सो दैट एडी पैरेलल बीसी। क्यों किया है ऐसा, ताकि हमें जो प्रूव करना है वो हम इजीली प्रूव कर पाए, ठीक है, और एबी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है, एबी पैरेलल डीसी, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, ठीक है भाई। चलो अब एक लाइन और लिखेंगे, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, क्योंकि हमें यहां पर दिख रहा है ना, एंड एबी इज इक्वल टू डीसी, एडी बीसी के बराबर है और एबी डीसी के बराबर है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, पहले ही बोल दिया कि जो ट्राइंगल बना था वो राइट एंगल था, जब हमने दूसरा बनाया तो वो भी राइट एंगल था, इसका मतलब जो डिस्टेंस हो जाएंगे वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एबीसीडी इज द रेक्टेंगल एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, तो लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, टू ईच अदर। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो किसी भी रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, जब हमने इसको रेक्टेंगल बोल ही दिया तो सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, और वैसे भी जो ट्राइंगल बनाया था वो कैसा था, वो राइट एंगल ट्राइंगल था, तो इसीलिए ये एंगल तो 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, जब ये दोनों 90 डिग्री हो गए तो ये 45 ये 45 मिलके 90 और ये 45 और ये 45 मिलके 90 हो गया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर बात। अब देखो जब ये रेक्टेंगल ही बन गया तो डायगोनल कैसे होंगे, बताओ जल्दी से, इक्वल लेंथ के होंगे ना डायगोनल भी, एंड बाइसेक्ट भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर, जिसका नाम हम रख सकते हैं ओ, है ना, तो लिखो इसको भी, इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, कहां पर, एट कहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, इज इक्वल टू BO is equal to OD, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी चारों लाइन अब कैसी हो गई, चारों जो डायगोनल ने क्रॉस किया था एक दूसरे को बाइसेक्ट किया था O पर, तो जो डायगोनल जहां से ब्रेक हुए वहां से वहां तक सारे डायगोनल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं O is equidistant from A, B and C, thus O is equidistant from A, B and C, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है आज की एक्सरसाइज खत्म, और इस एक्सरसाइज के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है।
और कल से हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया है तो सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करेंगे। जो क्लास की टाइमिंग है वो सभी को मालूम है, 1:30 PM, ठीक है। तो एक बार सभी को कमेंट करके बताना है कि सेशन कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे एक न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।